जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए इस वीडियो में आज हम विकास लाइफवेयर को डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि विकास लाइफवेयर का विकास सच में होगा या नहीं, क्योंकि ये हमारे पोर्टफोलियो में कुछ अच्छा रिटर्न देते हुए नहीं दिख रहा है। और जब से है तब से ही मैं ये बात देख रहा हूँ, क्योंकि नाम में विकास होना अलग चीज़ है और कंपनी के फंडामेंटल में, कंपनी के शेयर प्राइस में विकास होना अलग चीज़ है। हमें कंपनी के शेयर प्राइस में विकास होने से मतलब है। चलिए इसके बारे में डिटेल एनालिसिस आज करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमें इसमें बने रहने की आवश्यकता है या समय बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसमें से निकल जाएं और इसमें जो पैसा लगाए हैं वो पैसा कहीं और लगाएं, ताकि इससे जल्दी और एक अच्छा रिटर्न हम लोग बना सकें। शुरुआत हमेशा की तरह शुरू से करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि विकास लाइफवेयर ऐसा क्या काम करता है जिस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी होते हुए नहीं दिख रही है। देखिए, विकास लाइफवेयर कोई नई कंपनी नहीं है। 1995 से मार्केट में है और पहले सिर्फ ये पॉलीमर, प्लास्टिक और रबर वगैरह बनाता था, लेकिन आजकल तो बहुत सारे एक्टिविटीज में कंपनी इन्वॉल्व हो गई है। पहले एग्रो प्रोडक्ट्स नहीं थे, एग्रो प्रोडक्ट्स में हाल फिलहाल में ही आई है। इसके अलावा होटल और तमाम तरह के बिजनेसों में कंपनी कूद पड़ी है। जाहिर सी बात है, जब कंपनी इतने बिजनेसों में कूदी हुई है और खुद को समय समय पर एक्सपेंड भी कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइस में क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल ऐसे ऐसे चल रहा है, एक रेंज अमाउंट में फंसा हुआ है। मतलब तकरीबन 700 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। कम होकर इतना हो गया, मार्केट कैप पहले और भी ज़्यादा था। शेयर प्राइस के कम ज़्यादा होने से मार्केट कैप भी ऊपर नीचे होते रहता है। शेयर प्राइस तकरीबन 5 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि बुक वैल्यू से ज़्यादा है। ये बढ़िया बात है, कंपनी का शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ROCE देखेंगे और ROE देखेंगे तो ये निगेटिव में है, क्योंकि इतना नहीं होना चाहिए। जबकि इससे कम मजबूत फंड, कम फंडामेंटली मजबूत जो पेनी स्टॉक्स हैं उनका ROE देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव में होता है। जैसे कल ही जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें देखिए, तो ये सब जो मतलब चीज़ें हैं ये पॉजिटिव में होनी चाहिए, क्योंकि इसका ये मतलब हो कि आपको इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल में कितना कमा करेगी। और जब ये रिटर्न ही निगेटिव में है तो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, चाहे फंडामेंटल और कितना भी बढ़िया और कंपनी कितना भी अच्छा काम क्यों ना करती हो। तो यहाँ पर एक ये चीज़ निगेटिव है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि चलते हैं कि इसमें तेजी बनने के कुछ चांसेस है भी या नहीं। तो देखिए, अभी हमने यहाँ पे 1 साल का चार्ट ओपन कर दिया है। 1 साल के चार्ट पर देखिए क्या हुआ यहाँ पे। अगस्त के बाद एक क्योंकि आपको पता है कि जब कोई स्टॉक कॉन्सोलिडेट करता है तो कॉन्सोलिडेशन के बाद जब ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट होता है, तो एक लंबा तेजी देखने को मिलता है। इसमें एक लंबा तेजी देखने को मिला। स्टॉक का प्राइस सितंबर में तकरीबन 6-7 रुपये तक गया था। यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ। प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस थोड़ा सा डाउन आया, और डाउन आने के बाद पहले जहाँ पर इसका रेजिस्टेंस था वहीं पर भी इसने आकर अपना सपोर्ट लिया हुआ है। और अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे फिर से एक बार कॉन्सोलिडेशन रेंज में स्टॉक फंसा हुआ है। एक तो ये होगा कि कॉन्सोलिडेशन रेंज में है तो फिक्स है कि ये जब भी होगा तो ब्रेकआउट ही होगा, ब्रेकआउट होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, कम से कम पहले तो इस लेवल से लिया आएगा। दूसरा देखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कि ये अपने इस लेवल को भी रिट्रेसमेंट करने के लिए थोड़ा सा और नीचे आए, तो लोग यहाँ पर घबरा के अपना जो भी शेयर से बेच देंगे। क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है, यदि इस लेवल तक आता है फिर भी आप बने रहेंगे, और यहाँ से आने के बाद जैसे कंपनी का शेयर प्राइस रिट्रेसमेंट मार्क ऊपर उठेगा, आप तुरंत यहाँ पे एंट्री लेंगे और मतलब एवरेजिंग कर सकते हैं। जो नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो अपना शेयर यहाँ पर बाई कर सकता है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये प्राइस इस लेवल पर निकले, थोड़ा ऊपर निकले, तो और थोड़ा अपना क्वान्टिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म में चार्ट के माध्यम से जो बातें होनी है, जो होते हुए दिख रही है, वो बातें मैंने आपको बता दी। अब कंपनी के जो काम है और जो फंडामेंटल है उसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में लंबी अवधि में तेजी बनेगी, और ये जो कंपनी है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ही है। तो इसलिए आपका यदि इन्वेस्टमेंट है विकास लाइफवेयर का, तो आपको मतलब हेडअप नहीं होना, आपको उकताना नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पेशेंस से पैसा बनता है। पेशेंस आपके पास होगा तो जरूर पैसा बनेगा। यहाँ पर देखेंगे पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जो विकास लाइफवेयर है इसके ये किस किस अच्छी कंपनी को पीयर कंपैरिजन में आता है। देखिए, अडानी इंटरप्राइजेज है, मैनकाइंड फार्मा है, रेडिंगटन है, इस तरह की ये जो कंपनियाँ हैं बड़ी और अच्छी कंपनी, उस तरह की कंपनियों के श्रेणी में इसको रखा गया है पीयर कंपैरिजन में। कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी विकास लाइफवेयर में, ताकि इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों के श्रेणी में ये आ रहा है। इसके अलावा चलिए हम थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट से पता चलता है कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, सेल्स देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर की अपेक्षा देखें तो सेल्स लगभग बराबर ही बना हुआ है ना, कुछ ज़्यादा अच्छा ना, पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हुआ है। लेकिन हालांकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सेम उससे अनुपात में देखें तो अभी भी थोड़ा सा कम ही है, बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। इसके अलावा यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखेंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो कम ही आया है। हालांकि अभी भी देखेंगे नेट प्रॉफिट तो ओवरऑल ठीक ही है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ओवरऑल ठीक है। तो जाहिर सी बात, जैसे मैंने बताया कि लंबी अवधि में जब सब बेहतर होगा तो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ये भी मजबूत होगा।
तो विकास लाइफ केयर के बारे में एक बात स्पष्ट है कि लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनके लिए ये स्टॉक है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया पाए हैं तो बेहतर होगा कि आप विकास लाइफ केयर लिमिटेड के शेयर को बेच के किसी दूसरे स्टॉक में पैसा लगा दें जहाँ आपको लगता है कि इससे जल्दी और इससे अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। ये मेरा विचार है, उम्मीद करता हूँ आप मेरे विचार से सहमत होंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।